नहीं पैना, तेरे बिन नहीं रोना, तेरे बिन नहीं रोना, गलांदी ही पैना। कुछ देने तागे कुत्ते दस अस जागे, रखड़ी दा बेला इक्की कर देना। हैप्पी रक्षाबंधन। तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन और राखी एक टूर जो कि 3 पार्ट है, वो भी मोहित प्रोडक्शन के द्वारा वो आ गया है। राखी एक डोर 3 इसलिए बोल रहा हूँ, फर्स्ट जो थी वो शॉर्ट मूवी थी और दूसरा जो था हिंदी गाना था। और राखी एक डोर 3 की जो सबसे खास बात है, प्रज्ञा सल्होत्रा दी डोगरी एनडीपी को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर जम्मू में एनडीपी को कोई रिप्रेजेंट करता तो प्रज्ञा सल्होत्रा ही करता, और सिद्धि लकीर, और उसके बाद अब जो प्रज्ञा सल्होत्रा का सफरनामा। देखो मैं सफरनामा इसलिए मैं भूल जाता हूँ लेकिन देखना नहीं भूलता, सबसे बड़ी बात है। तो मतलब स्वागत है मैडम, मैं जानता तुम आगे दसो अपनी लाइनें बोलो। आऊं प्रज्ञा सल्होत्रा इन्हें चैनल पर तुसे सारे लोगों का मता मलार करनी है। तो मेरे साथ जो है मोहित शर्मा, और मोहित शर्मा जो है अगर मैं बात करूं, अच्छे प्रोड्यूसर, अच्छे डायरेक्टर, अच्छे एक्टर, और अब क्या बचा हुआ मेरे भाई? अब आपकी जगह लेनी है थोड़ी, बनेंगे तो मुझसे बेहतर ही बनेंगे। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो हमारा प्रोजेक्ट की बात करते हैं, अगर प्रोजेक्ट जो हमारा आया राखी 1-2-3, तो ये एक फ्रेंचाइजी है, अयान गुप्ता ने स्टार्ट की। अयान है कहाँ पे? अयान आज थोड़ा बिजी है, वो आ नहीं पाए। अयान और तुम्हारे लिए हमेशा बोलते दो जिस्म एक जान। बिल्कुल, क्योंकि हम इकट्ठे हमारे इतने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बैक टू बैक, अभी और भी नेक्स्ट मंथ हमारी और भी फिल्में आ रही हैं। तो इस प्रोजेक्ट पे आते हैं, ये एक डोगरी गाना है, तो जम्मू के डोगरों के लिए। हर बार लोग बोलते थे यार तुम हिंदी लेके आते हो, ये कर रहे हो, बट इस बार हमने सोचा हम डोगरी के लिए कुछ करें, और डोगरी में करना था तो हम कोई फेस ढूंढ रहे थे, तो हमने प्रज्ञा पे नजर मारी। हमने कहा प्रज्ञा जी आप नाम करोगे हमारे साथ? प्रज्ञा ने कहा थोड़ा सोच के बताती हूँ। पहले तो प्रज्ञा ने हाँ नहीं करे, सोच के बताती हूँ। फिर 5 मिनट का कॉल आता प्रज्ञा ने, यार इतनी अच्छी स्टोरी आपने जो बताई मुझे, ये तो मेरी ही स्टोरी है, तो क्यों ना इसको मैं ही करूंगी। नहीं उसमें शूट में सब कुछ चेंज होने वाला था, पति से लेके परिवार तक, तो ये बेचारी सोचे भी ना। जो मैंने चाहा कि 5 मिनट में कॉल करती हूँ, वो शायद पति से परमिशन। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं आई, परमिशन वाली गल नहीं आई। मैं तो है दिखा ही होना सफरनामा पर भी कि मैं खुली जाती है, वो मेरे डिसीजन होते ना, मैं कदे काम ताई परमिशन नहीं लानी पौंदी। पर मैं ये हाँ कि यार जिन्ना भरोसा है मिगी दसा रहे ना, जिन्ना ट्रस्ट है मेरे पर करा रहे, क्या है मैं करी पागी? ए ना हो कि उंदा जिन्ना ना है या गाना जिन्ना शैल है, मैं कुछ कमाड़ा था नहीं करी उड़ी। प्रज्ञा एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि शूटिंग जो होती है एक कैमरा के आगे शूट करना फॉर ए थिंग नॉर्मल, दैट इज डिफरेंट। और लेकिन जब ये शूटिंग हुई मैं तो एक तो देख रहा था सिनेमैटिक शॉट्स, वाओ वो लग रहा था जैसे कोई दिल्ली की टीम या चंडीगढ़ की टीम आके काम कर रही। दूसरा मैं देख रहा था कि स्टोरी की जो लाइन घर से शुरू होती है और जो चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे अलग, मैं पता नहीं लोगों को ये चीज रियलाइज हुई या नहीं हुई, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलता हूं, जब मैंने देखा मुझे नहीं लगा था कि इतना मैसेज होगा। मेरा था कि बिल्कुल जिसने ये गाना देखा है वो मैसेज आए, यार हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, ये क्या 5 मिनट में हमने पूरी फिल्म ही बता दी, और इतना अच्छा मैसेज एंड में जो दिया गट्टू डोर के ऊपर जो कि बैन होना चाहिए, तो आप गाना देखोगे आप पता चल जाएगा आपको। मोहित ये जो आपने बोला गट्टू डोर के ऊपर, और प्रज्ञा जो पत्रकार भी रह चुकी है, पत्रकार भी है अभी, तो लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, गट्टू डोर पे हमेशा देखा जाता है एंडिंग में चीजें आती है 2 दिन पहले 3 दिन पहले, मतलब बंद होना चाहिए। कैसा लगता है कि ये जो गट्टू डोर मार्केट में आ गई, क्योंकि पुराने टाइम में भी हम चक्की से गुड़िया तो वो उठाते थे। बेसिकली गलती आई थिंक साड़ी ये है, जे अस खरीद अस डिमांड नहीं करगे तो दुकानदार लियागा नहीं, साड़ी ये सोच है। आई थिंक मोहित भी एग्री करेंगे, जे अस गे नहीं लेन जागे ते दुकानदार भी नहीं रखेगा, मतलब पता है कि ओने डिमांड करो बैन करो बैन, पहले तुम खरीदो नहीं तो बैन तो अपने आप हो जाएगी ना। असें ही अपने बच्चे ही समझाना पौना है, या अपने जेडे इर्द गिर्द जेडे लोग इस्तेमाल करते हैं, कि दुए का नुकसान तो हो ही सकता है, कन्ने कन्ने साडे पहले हथे जा आपे भी चीरे लगी सकते हैं, ये साडे ताई भी जेड़ा है वो ठीक नहीं है। तो इसी आए दिखने जी रखड़ी खत्म होंगी है, अगले दिन अखबार च इन्ने सारे किस्से जेडे दसे रहे होंगे ने कि फलाने अस्पताल इन्ने केस आए, फलाने अस्पताल इन्ने केस आए, इन्ने बच्चे जेडे ने नहीं रहे, या बहुत सारी ऐसी चीजा जेडी है वो रखड़ी के अगले दिन सुनने होंगी, तो चंगा नहीं है कि अस पहले गए। लेकिन एक और चीज मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग देखी, अब राखी से लेके जन्माष्टमी तक यही माहौल रहेगा, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को बहुत अच्छा मैसेज है, लाउड एंड क्लियर जिसको मैसेज है। ऊपर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये तो अभी राखी चल रही है, बट राखी से 4-5 दिन पहले हम इंटरव्यू से वापस आ रहे थे, तो मैं गाड़ी चला रहा था, सारी टीम बैठी हुई थी हमारी, तो आगे एक बाइक वाला गिर गया, अभी मेरी गाड़ी की स्पीड भी आहिस्ता थी, तो मैं रुक गया एकदम से, हम सारे उतरे, उसे उठाया और देखा उसके गले में डोर फंसी हुई थी,
तो हम सारे एक दूसरे के चेहरे देखने यार यही तो हम मैसेज बताना चाहते हैं, और यही और उस आदमी का गला पूरा कट चुका था, फिर वो खुद ही जल्दी जल्दी बाइक पे बैठ के खुद ही गया, आदमी उसके साथ भेजा हमने। तो ये एक मैसेज देना चाहेंगे कि ये सच में लोगों की जान ले रहा है, कहीं ना कहीं आज भी बहनें नहीं पहुंच पाती हैं, भाई नहीं, भाइयों के गले कट रहे हैं इस वजह से। तो प्लीज इस गट्टू डोर को बैन कीजिए, बंद कीजिए, खुद खरीदना ही बंद कर दीजिए, ताकि आप खरीदोगे नहीं तो सारा काम। मैसेज की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, लेकिन अब मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, आइडिया किसका था ये जो जितना आइडिया, ये अयान का आइडिया था, गट्टू डोर वाला जो पॉइंट था ना वो अयान ने दिया था, क्योंकि मैं तो इसको वहां पे खत्म कर रहा, अयान ने कहा नहीं इसमें हम मैसेज एंड में देना चाहेंगे, अयान ने कहा इसको अगले पार्ट में करेंगे, फिर हमने कहा नहीं इसी में करते हैं। तो ये अयान का आइडिया था, अयान का आपको पता है कंसेप्ट कितने अलग रहते हैं, कॉफी में अयान, मेरा क्या कसूर, जो हम साथ मिलकर लाते हैं शोज वगैरह, तो ये अयान की मेहनत है, अयान की बहुत मेहनत थी, और ऊपर से गाना का जो सिंगर था हमारे, सिंगर की जो वॉइस थी, अयान को लोग भी मिस करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम भी कर रहे हैं। प्रज्ञा जो देखा गया इफेक्ट्स देख रहे थे, वो क्या बड़ा, मैं बोलता हूँ रोल तो बड़ा स्पोर्टिंग में था और अच्छा रोल था बराबर का, लेकिन लाइंस कम थी, तुम्हारा जो था एक्सप्रेशन देखने का, जब सास आती है आप बोल सकते देवरानी को भेजती अपने घर, फिर उधर से ननंद आ जाती है, तो वो शक्ल जो दिख रहा था ना बहुत ज्यादा। मैं यो आ गई जिहड़ी जम्मू दी कुड़ी है, वो समझी सकदी आ कि लखनपुर का पुल टपना इन्ना आसान नहीं है, बट अगर तुसेंगी इन-लॉज अच्छे मिलन, सपोर्टिव मिलन, हस्बैंड अच्छा मिलन, ते जेड़ा तुसेंगी तुंदे काम तुंदे करियर ताई तुसी सपोर्ट करे, ता आई थिंक इन्ना तो करना ही पौना ना, जे ओरे बाचू भी मैं काम करानी ब्याह दे बाद, इन्नी दूर होने दे बाद भी मैं आनी आ, या मैं काम करानी अपनी डोगरी ताई हले भी काम करानी, तो ऑल थैंक्स टू माई फैमिली। डोगरी में ऐसे तो काम करते हो, ये नहीं बोला तुमने मोहित को कि यार के डोगरी चे हर चीज कर दी है, ये हिंदी में कर लेते हैं? ना 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 ना, मैं ये आख्या कि ये गीत डोगरी डोगरी था शायद, इसलिए प्रज्ञा ने किया, हिंदी होता शायद प्रज्ञा नहीं करती। हाँ मे भी मैं सोच दी, वो जो फोन मैं बोलिया ना 5 मिनट रुकी आओ मैं बाद चो सुनानी है तुसें गी, ये आ यार डोगरी है, और इन्हें अगर जम्मू यूनिवर्सिटी की वीसी सुन रहे ना एनईपी में जहाँ कुछ आपने लोगो लगाना तो प्रज्ञा का चेहरा होना चाहिए। Everybody is trying to डोगरी की, मैं देखो मैं अपनी बात करूं, मैं भद्रवाही हूँ, मैं कोशिश भी करता हूँ डोगरी बोलने की, तो कहीं ना कहीं एक चाका बोलते ना आ जाता है कि पंजाबी निकलेगी या मिक्स हो जाएगी, ये नहीं कि मैं पंजाबी को गलत बोलूँ या डोगरी को, लेकिन एक चाका, लेकिन मैं यहाँ के बच्चों को भी देखता था क्योंकि मैं आपको भी बचपन से अपने जानता हूँ, तो मैंने देखा कि हिंदी बोलते थे आप, डोगरी मैंने आपको नहीं देखा था, बंदा देखी गल करनी नहीं, हां मैंने कभी नहीं देखा, इस टाइम में कभी नहीं देखा, मैंने जो ड्रास्टिक चेंज देखा आई वाज लाइक शॉक यार, मतलब कि जो बाकी लोग शर्माते थे डोगरी बोलने में या बच्चे सिटी के शर्माते थे, आपने वो बैरियर खत्म कर दिया, आपको लगता है कहीं ना कहीं रोल मॉडल बन गए बच्चों के लिए? नहीं रोल मॉडल नहीं, मैं आखगी, मैं खाली ये आखगी कि जेड़े बच्चे शर्म करते हैं अपनी माँ बोली बोलने, उन्हेंगी अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, या उनके पेरेंट्स की ये चीज सोचनी चाहिए कि इस कल्चर की इस लैंग्वेज की खत्म करने से पूरा पूरा हाथ जड़ा तुंदा है। मैं तुझे सुना कि मेरी स्कूलिंग मायर तो एरी उतो मोस्टली सारे कश्मीरी बच्चे होंगे और आपस में कश्मीरी से गल करते हैं, वो नहीं शर्म करते हैं, पर अस जिस वे डोगरी च मैं कुछ बोली उड़दी तो अगू बच्चे इं भैड़े साढ़े के डोगरे बच्चे इं बेटंगी शक्ल बनाइए मी दिखते हैं कि खबर है कुछ मड़ तू आई है ग्राई है ये ग्राई है, तो वो जी सोच असें खत्म करनी चाहिए, ये चीज असें दूर जाने की जरूरत नहीं, मैं आनी पंजाब वाल भी नहीं दिखो, तुम कश्मीर वाल दिखे तो तुम्हें आइडिया ही आना कि अपनी लैंग्वेज अपने कल्चर की जे तुसे रिस्पेक्ट देगे तो तुंदी रिस्पेक्ट जड़ी है होनी है क्योंकि तुंदी पहचान हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि मोहित कहाँ पे ये गाना आने वाला, प्लीज ऑडियंस को बताओ। ये गाना आपको मोहित शर्मा फिल्म जम्मू पे आपको देखने को मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पे वीटीवी एंटरटेनमेंट पे, तो आप इस गाने को देखें, इसको शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर बुरा लगता है तब भी, अगर अच्छा लगता है तब भी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अपनी राय, ताकि हमें पता चले कि हमारी अगर गलती है तो तब भी पता चले, अगर अच्छा लगा तो तब भी पता चले। अभी तक तो लोग भर भर के आंसू ही भेज रहे हैं अपने कि इतना अच्छा नहीं चलता। मैंने मैंने जैसे बोला कि मैंने जब वीडियो देखा तो आई वाज लाइक कि हाँ ये तो नॉर्मल चलता है, एंडिंग देख के मैंने जो ट्विस्ट आया एंडिंग में वो नहीं इंदा आखना है कि रोंगटे खड़े हुई है। हाँ मेरा ये कहना था गूज बम्स आ गए, तो मैं बस यो आखगी
कि डोगरेओ तुंदे ताई ही गीत जड़ा तैयार किया है, डोगरी च तैयार किया है, डोगरे ने तैयार किया है, क्योंकि ना है ताहे सिंगर बारू बुलाया है, ना है एडिटर बारू बुलाया है, ना साढ़े जड़े एक्टर्स है वह बारू आए, तो असें सारे डोगरे मिलिए एक रखड़ी उपर बड़ा अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है। डोगरी अपनी माँ बोली भाषा की इज्जत भी करने की कोशिश की है, और बस इो आ गई कि जी सा मेहनत है और रंग ल्यांदी है नहीं ल्यांदी वो सारी तुंदे हाथ च है। प्लीज एक बार इस गीत की जरूर सुनो और जिन्हें भी तुम्हें लगता है कमेंट सैक्शन से जरूर दस्यो। और मैं इो आखगी जाते जाते कि कुसे दी रखड़ी जड़ी है वो खराब नहीं होनी चाहिए, ये साढ़े सारे की जी जिम्मेवारी बनती है, ता करिए गटू डोर बैन जी है अं आखा नहीं कि बैन होनी चाहिए, इस पर पूरा तुम्हें सोच विचार जो करना चाह रहा। और हाँ जी नूह तुम्हें घर उनकी भी रखड़ी होंगी है और भी भरा जरा घर वेट करा रहा होंगे, मैं बस इो आ गई जे अपनी कुड़ी जल्दी सदा रहे हो तो अपनी नूह की भी तोले भेजो। तो देखो एक नूह की तरफ वाला मैसेज भी आ गया बेटी के साथ का। नहीं नहीं वो आई नहीं, मैं अम्मी ने पहले आई नहीं। इस वाले ऊपर ना एक ने शायद कमेंट भी किया रहा सारे यूट्यूब आखा तो फिर उन तो मिल गया होना। तो अच्छे अच्छे कमेंट बड़े लोगों की क्रिएटिविटी देखो कुछ कुछ अलग अलग कमेंट करते हैं तो नूह कैसे मिले। हाँ तो ऐसी बातें देख के मजा आता है, मजा आता है, मजा आता है। तो ये राखी एक डोर थ्री जो मोहित की प्रोडक्शन से निकला हुआ और प्रज्ञा ने एक्ट किया है, लिंक आपको साथ में मैंने कैप्शन में दे दिया हुआ है। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए मेरे साथ साथ, इनकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब चैनल कीजिए और प्यार भर भर के दीजिए, क्योंकि जम्मू के बच्चे डोगरी प्रमोट कर रहे हैं और आप लोगों की शेयर तो बनता ही। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। में शुभम गोतवाल, हैप्पी रक्षाबंधन।